पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जो दवाइयाँ देते हैं लोगों को, उसके बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ बताइए, किस तरह की दवाइयाँ होती हैं वो, और इस बारे में कुछ बताइए। क्या बताना है उसमें, लेकिन दवाइयाँ सब ठीक हो जाता है, बीमार ठीक हो जाता है उससे। सर हमेशा से आप कंट्रोवर्सी में घिरे हुए रहते हो, लेकिन कल ये लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया बहुत सारा, तो क्या फीलिंग है इसकी? नहीं, अच्छी फीलिंग है, थैंक्स है कि सीएम साहब ने बुला के अवार्ड किया। लोकल सुमंत्राचल सीएम काफ़ी अवार्ड मिल चुके हैं, लेकिन कल सीएम साहब ने बुलाया, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनको भी पता है कि दवाइयों से ठीक हो रहा हूँ। बीच में काफ़ी परेशान किया गया है कई डिपार्टमेंट में। ऐसे कौन से पॉइंट थे जब आपको लगा कि काफ़ी मुश्किल हो रहा है मुझे काम करना, ऐसा कुछ बताना चाहेंगे आप जब आप जेल में गए या फिर ऐसे समय पर? कितनी कितनी मुश्किल है अगर आप ऑडियंस को बताना चाहें इस समय? भाई कोई भी इतना बड़ा इन्वेंशन होता है तो उसके साथ ऐसा होता है, किया जाता है, कोई नई बात नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ तो जो पेशेंट डॉक्टर जवाब दे देते हैं वो ठीक हो रहे हैं, इसमें डॉक्टर ज़्यादा परेशान है, डॉक्टर ही कंप्लेन करते हैं, पैसा देते हैं, पुलिस को पैसा देते हैं, FDA को पैसा देते हैं काम बंद करवाने के लिए। FDA वालों ने भी बहुत परेशान कर रखा है, दो बार मेरे को जेल में भेजा है, केस कुछ भी नहीं बन रहा है। डॉक्टरों की बेइज्जती हो रही कि वो जब जवाब दे देते हैं यहाँ के पेशेंट ठीक हो जाता है। 95% रिजल्ट है मेरा लास्ट स्टेज कैंसर में, सारे लास्ट स्टेज के आते हैं, और जो ठीक नहीं होने वाला होता मैं पेशेंट अलग करके उसके घर वालों को बता देता हूँ। मैंने कहा माफ कर, वो दवाई मत लो, तो ज़्यादा अच्छा, मेरी बदनामी होगी। इसके अलावा ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं या फिर बुरा कर रहे हो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? डॉक्टर लॉबी है, और डॉक्टर लॉबी पुलिस को क्या करती है क्या नहीं, FDA को क्या करती है क्या नहीं, वो तो अभी इंक्वायरी चल रही है, बैठी हैं, सब पता हो जाएगा। CM साहब से रिक्वेस्ट है, वो करेंगे कुछ ना कुछ, सारे रिजल्ट आ चुके हैं, क्राइम ब्रांच ने इंक्वायरी करके बिल्कुल क्लियर कर दिया कि इसमें कोई केस नहीं है, कोई केस लागू नहीं होता है, ये है सब पुलिस ने किया है। इसके अलावा कोई प्रूफ होगा आपके पास जो आपने संभाल के रखे हो और उन्हें दिखाया हो, ऐसे कुछ अगर आप हमारी ऑडियंस को बताना? सारे प्रूफ हैं, यहाँ साफ सुथरी बातें हैं। जिस दिन FDA वाले आए बाहर बात कर रहा है कि यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है, कमिश्नर की बात कर रहे हैं कुछ भी नहीं मिल रहा है, बाहर हमारा ड्राइवर बीड़ी पी रहा था वो सब सुन रहा है, फिर उन्होंने कुछ दिया होगा, ये करो वो करो, दवाई सीज करो ये करो, अननेसेसरी बिना कोर्ट के वारंट के आगे सीज की है दवाई। इस चीज़ का CM साहब का क्या रिएक्शन था जब ये बातें आपने उन्हें बताई? अभी बताएंगे CM साहब को, अभी बताई नहीं है, लेकिन CM साहब की नॉलेज में है सब कुछ, अभी मिलेंगे CM साहब से। इसके अलावा मीडिया से भी आपको एक बड़ा अवार्ड से नवाजा गया है, तो उसके लिए क्या मिलेंगे आपके? जिसके पेशेंट ठीक होते हैं जिसमें तो अवार्ड देते हैं, फुर्सत होती है तो चला जाता हूँ, कहीं जगह जाता भी नहीं। उत्तराखंड CM ने दिया अवार्ड, कई अवार्ड है, गवर्नर ने दिया, चेन्नई गवर्नर ने दिया। इसके अलावा ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे आप? ऑडियंस से क्या कहूँ, ऑडियंस तो सब आपस में जो पेशेंट आते हैं ऑडियंस में उनको सब मालूम है, हमसे ज़्यादा मालूम है कि सब आपको फांसा जा रहा है, ये किया जा रहा है, हमको सब मालूम है, हमारे इतना पेशेंट हो गया, ये हो गए ठीक हुए, तो उनको मालूम है पेशेंट को सब जी, एक तरफ परेशान किया जा रहा है, लेकिन उन लोगों CM साहब की नॉलेज में नहीं है अभी। हाँ बिल्कुल बताऊँगा, CM हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, सारी मिनिस्ट्री देख रहे हैं, पूरा महाराष्ट्र देख रहे हैं, तो उनको तो लेना पड़ेगा एक्शन, लेंगे वो छापा मार के, ये करके प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं, उसमें बोलना आ नहीं रहा कि क्या बोले, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। यहाँ तो हमारी बिल बुक पे लिखा है 3 डोज में आराम नहीं है, तो पैसे वापस लो, जो दुनिया में कहीं भी नहीं है, कहीं भी पूरे वर्ल्ड में नहीं है, इससे साफ सुथरा काम क्या होगा? और वो भी लास्ट स्टेज के कैंसर आता है यार, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया जिस बीमारी का इलाज ही नहीं है, जैसे HIV का इलाज नहीं है, HIV में 100% रिजल्ट है मेरा, सारी ठीक हो जाता है, सबके रिकॉर्ड रखते हैं हम, ऐसा नहीं, हमारा स्टाफ सबका रिकॉर्ड रखता है। इलाज करने के साथ साथ आपके बारे में मालूम हुआ कि आप समाज सेवक भी हैं? हाँ, अब इस चीज़ को तो क्या एक्सपोज करना, जो जरूरतमंद आते हैं सामाजिक तो करते ही हूँ, कोई सारा पैसा साथ तो लेके जाता नहीं है, समाज की सेवा भी करते हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें क्या एक्सपोज करना समाज की सेवा, कई लोग जरूरतमंद आते रहते हैं, बाकी बहुत परेशान किया गया मुझे, दो बार जेल में डाला गया, अभी CM साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसकी इंक्वायरी की जाए।
पुलिस और डॉक्टरों ने मिलकर क्राइम ब्रांच। फ्यूचर में आप कभी भी पॉलिटिकल फील्ड के बारे में बात किया है पॉलिटिकल फील्ड के लिए? नहीं, कई लोग बुलाते हैं स्टेज पर, मैं कभी नहीं जाता क्योंकि जगह चले जाओ तो दूसरा जो पार्टी है एक तो रहती नहीं है, तो वो एंटी हो जाएंगे, इसलिए मैं कहीं जाता ही नहीं हूँ, कई जगह बुलाता हूँ। हिंदुस्तान में आपके लिए एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, मीडिया ने आपको दिया है, इसका एक कोई फील्ड पे आपका ये है कि मैं पॉलिटिकल फील्ड में अपना? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, नो। आपको प्रोफेशन वही डॉक्टर का रहेगा या साइंटिस्ट का? नहीं नहीं, मेरा जो इन्वेंशन है मेरा पूरा माइंड सेंट्रलाइज वहीं रहता है, कहीं पॉलिटिक्स में कोई ताल्लुक नहीं। हाँ हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो मैंने ऐसा इंजेक्शन बना दिया इस दुनिया के सारे लोग ही ठीक हो जाएंगे, अभी अप्रूव नहीं करवाया, ऐसा कहने करीब 3,000 लोगों को लगा भी दिए। आदमी की सांस बाकी होना चाहिए, 95 साल का आदमी नेचुरल डेथ हो रही है, इंजेक्शन लगा दो 10 मिनट में उठ के बैठ जाएगा, इतना जबरदस्त हो रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने क्या खंडन करेंगे, सब पीछे लगे हुए हैं। बताना चाहेंगे मैसेज? क्या मैसेज आवाम के लिए, तो यही प्रार्थना है कि स्वस्थ रहें, कहीं किसी हॉस्पिटल में नहीं जाए, मेरे पास भी नहीं है, स्वस्थ रखे ऊपर वाला सबको। सर जैसे वो आपने इंजेक्शन की बात की, तो वो इंजेक्शन किस तरह का होगा, थोड़ा ऑडियंस को बताइए किस तरह का इंजेक्शन है? लिक्विड होगा, 1 cc इंजेक्शन, 1 cc डिस्टिल वाटर मिला के वो लगा दो, वो लगा दिए मैंने, फॉरन में भी लगा दो, भिजवा के लगा दी, यहाँ भी लगा दी, आदमी में सांस बाकी होना चाहिए, उठ के बैठ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाता है, सारे ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन में आ जाते हैं उससे। अभी इतना बड़ा इन्वेंशन, गवर्नमेंट और दूसरे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, लगे इस पर हैं कि हमारी बेइज्जती हो रही है, डॉक्टर हमने जवाब दे दिया वहाँ पेशेंट ठीक हो गया, एक डॉक्टर ने यहाँ कर बताया भी था कि आपके लिए सड़न से चल रहा है, काफ़ी डॉक्टरों की मीटिंग थी, उसमें ये डिसाइड हुआ है कि जो भी पेशेंट मरने वाला है मुनीर खान के पास भेज दो, जो भी मरने वाला है वो पब्लिक अपने आप संभाल देगी, ऊपर वाले ने ऐसा किया 95% से ज़्यादा ठीक हो गया, उसमें तब से पीछे लग गए। कल कानून के साथ साथ कानून के मंत्री आपके मंच में थे, तो कानून का शिकंजा जो करता जा रहा है इसके बारे में आपकी क्या राय है? किसके ऊपर से करता जा रहा है? आपके ऊपर कानूनी ये जो कार्रवाई हुई? नहीं, हमने भी इंक्वायरियां डाल रखी हैं, पुलिस को भी मालूम है, कोई केस नहीं बन रहा है, स्पेशल इंस्पेक्टर आएगी, धाराएं लगा दे, कैसे दी कैसे लगा दी? एक ही मंच पर कानून मंत्री आप नजर आए, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कानून मंत्री से आप? हाँ, बैठे थे साथ में, लेकिन अभी मेरा सब्जेक्ट के ऊपर बात नहीं हो पाई उनसे, बाद में बात करूंगा। हाँ, मेरे पेशेंट रहे हैं, पेशेंट हैं थे वो मेरे। वो आपके पेशेंट? हाँ हाँ, कई बीमार नहीं थे। हाँ हाँ, लाने लाने नहीं, फिल्म इंडस्ट्रीज के सारे प्रोड्यूसर, 80% प्रोड्यूसर, 80% एक्टर हैं। काफी बड़े बड़े शख्सियतों के आपने इलाज किए हैं। हाँ, अब उनसे आपका क्या रहता है, किस तरह के उनका नजरिया क्या है? नहीं, पेशेंट की तरह दवाई दी है, चले गए, लेकिन किसी फंक्शन में हैं तो वो काफी जाते हैं बेचारे, ऐसे सारे रहें पेशेंट। ठीक है डॉक्टर साहब, इसी के साथ साथ बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी अपने बयान जो भी है प्रेस को रिलीज किया। ठीक है, धन्यवाद।